नमस्कार, हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर, पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल सीपीएस केस में एससी में सुनवाई टली, सरकार के वकील मनु सिंह भी नहीं हुए उपस्थित, अगले सप्ताह लग सकता है केस। जयराम ठाकुर ने सीपीएस केस पर सरकार को घेरा, पूर्व सीएम बोले मैदान छोड़कर भागे कांग्रेस के वकील, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुए पेश। हिमाचल में एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप शुरू, नेपाल, भूटान, कजाकिस्तान सहित 24 टीमें पहुंची। नगर परिषद दफ्तर में भिड़ गए पार्षद और अभियंता, जमकर हुई बहस, हाथापाई तक पहुंच गई। करसोग के अलसिंडी में बड़ा हादसा, खाई में गिरी जीप, 4 महिलाओं सहित 5 की मौत। कुल्लू में हरीश मर्डर केस में प्रदर्शन, डीसी ऑफिस पहुंचे परिजन, आरोपियों को फांसी और परिवार को सुरक्षा देने की मांग। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के मुख्य संसदीय सचिव मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। बीजेपी विधायकों की ओर से इस केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट सत्यपाल जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में आज यह केस 2 बार लगा, लेकिन सरकार की ओर से वकील आज कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए। ऐसे में अब यह मामला अगले हफ्ते सुना जा सकता है। सूचना के अनुसार हिमाचल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी करेंगे, मगर आज वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए। हिमाचल के पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीपीएस मामले में सरकार को घेरते हुए कहा कि अब कांग्रेस के वकील भी मैदान छोड़कर भागने लगे हैं। जयराम ठाकुर ने कुल्लू के भुंतर में आयोजित बीडीसी सदस्यों के लिए अभ्यास वर्ग को संबोधित करने के बाद यह बात मीडिया के सवालों पर कही। उन्होंने कहा कि सीपीएस मसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी और आज जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लगा, लेकिन सरकार की ओर से उनके वकील ही उपस्थित नहीं हुए। इससे यह साबित हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी इस बात को मान चुकी है कि उनके पास कोर्ट में पेश करने के लिए कोई ऐसे तथ्य नहीं है जो इस फैसले को उनके पक्ष में कर सके। नादौन में एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है। इसमें नेपाल, भूटान, कजाकिस्तान, भारतीय सेना, बीएसएफ, कर्नाटक व सिक्किम समेत 24 विभिन्न टीमें भाग ले रही हैं। इसका शुभारंभ हिमाचल पर्यटन विकास निगम के वाइस चेयरमैन एवं नगरोटा बगवा के विधायक आरएस बाली ने किया। इस चैंपियनशिप के दौरान नादौन से लेकर चंबा पतन तक कुल 25 किलोमीटर का सफर बहती व्यास नदी में लहरों के साथ पूरा करना होगा। यह प्रतियोगिता पुरुष, महिला और मिक्स राफ्टिंग में 3 श्रेणियों में हो रही है। इसमें मुकाबले शुरू हो गए हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। नगर परिषद कार्यालय ऊना में उस समय हंगामा बरप गया जब वार्ड नंबर 5 से पार्षद जनकराज खजांची व नगर परिषद ऊना के पालिका अभियंता राजेंद्र सैनी के बीच कार्यालय परिसर में कथित तौर पर बहस शुरू हो गई, जो कि हाथापाई तक बढ़ गई। बात बढ़ते देख पुलिस को बुलाया गया। पार्षद जनकराज खजांची ने पालिका अभियंता पर चुने हुए पार्षदों की अनदेखी का आरोप जड़ते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं विगत दिन वार्ड 5 में हुए एक कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित पार्षदों को ना बुलाने का भी आरोप जड़ दिया। पालिका अभियंता राजेंद्र सैनी ने उनके साथ कार्यालय में पार्षद द्वारा गाली गलौच व मारपीट करने का आरोप लगाया। मंडी जिला के करसोग उपमंडल के अलसिंडी के पास एक जीप खाई में गिर गई। हादसे में 4 महिलाओं और जीप चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए सुन्नी अस्पताल ले जाया गया है। सभी महिलाएं महिला मंडल की सदस्य बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि सभी किसी समारोह में शामिल होने जा रही थी। सीएम सुक्खू ने अलसिंडी के पास हुई सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। कुल्लू की गड़सा घाटी में हरीश की हत्या के मामले में क्षेत्र के लोगों ने शुक्रवार को डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। गुस्साए ग्रामीणों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजकर हत्या में शामिल लोगों को फांसी की सजा दिलाने और परिवार को सुरक्षा देने की मांग की।
केहर ने कहा कि बेटा हरीश चंद्र कुल्लू दशहरा से घर वापस लौट रहा था। रास्ते में चार युवकों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की हत्या के चश्मदीद गवाह सुनील को भी जान का खतरा है। उन्हें खुद भी आरोपियों से डर महसूस हो रहा है। मृतक के पिता ने आरोपियों को फांसी की सजा से कुछ भी मंजूर नहीं होने की बात कही। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।